हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दी क्रिकेट नॉलेज। तो ओडीआई सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ रही है ये ओडीआई सीरीज़। और अब बारी है टी20 सीरीज़ की। इसमें कई बड़े प्लेयर्स, रोहित, विराट या फिर शमी जैसे बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे इस फॉर्मेट में, लेकिन हार्दिक पांड्या एक यंग टीम को कैप्टन करते हुए दिखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से ही हार्दिक पांड्या ने ही पिछले दोनों सीरीज में, टी20 सीरीज में कैप्टेंसी की है। और न्यूजीलैंड के तरफ से भी आपको केन विलियमसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओपनिंग की बात करें इंडिया की तरफ से, तो आपको चार ओपनर्स पहले स्क्वाड में रखे गए थे। ईशान किशन, शुभमन गिल जो पूरी सीरीज डोमिनेट की थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो, फिर ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ को भी इस बार मौका मिला था स्क्वाड में आने का टीम इंडिया की तरफ से टी20 टीम में। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो पिछले श्रीलंका वाले सीरीज में भी शुभमन गिल और ईशान किशन ने ही ओपनिंग की थी इंडिया की तरफ से, और इस सीरीज में भी आपको वही दोनों ओपनिंग करते हुए ज्यादातर दिखने चाहिए। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक ने बुरा खेला तो पृथ्वी शॉ का भी यहाँ पर चांस बनता है कि वो टी20 टीम में फिर से आए। तो अक्षर पटेल भी इस टीम में मौजूद नहीं है इंजरी के कारण, तो उनके जगह वाशिंगटन सुंदर को इस सीरीज में मौका मिलेगा। बहुत टाइम बाद उनको टी20 सीरीज में मौका मिला है, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सो इंडिया की प्रोबेबल 11 में आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ईशान किशन और शुभमन गिल। 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी को फिर से यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। फिर 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, हालांकि उनका ओडीआई में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब था, लेकिन टी20 के कितने बड़े वो सुपरस्टार है वो आपको शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो 4 नंबर पे वही खेलेंगे। 5 नंबर पे कैप्टन हार्दिक पांड्या, 6 नंबर पे दीपक हुडा, 7 नंबर पे आपके वाशिंगटन सुंदर, तो ऑलराउंडर्स यहाँ तक होंगे। फिर 8, 9 और 10 पे आ जाते हैं तीन फास्ट बॉलर्स, शिवम मावी, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। 11 नंबर के लिए शायद युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप यादव में से कोई एक खेल पाएगा, क्योंकि दोनों के लिए टीम में तो जगह नहीं बनेगी। तो ओडिया परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद कुलदीप यादव यहां पर थोड़े फ्रंट रनर हैं, तो कुलदीप यादव को यहां पर भी पहले मौका मिल सकता है। हालांकि अगर बुरा परफॉर्म करेंगे तो युजवेंद्र चहल को भी ला सकते हैं। तो अब दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में उनके ओडीआईज में तो टॉम लेटम कैप्टन थे, लेकिन वो टी20s नहीं खेलते, इसीलिए मिचेल सेंटनर यहां पर कैप्टन है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग तो टी20s में मुझे अच्छी लगती है ये टीम, लेकिन बॉलिंग में काफी ज्यादा दिक्कत रही है ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी के ना होने के कारण। ओडीआई में भी वो चीज आपको दिखी थी और टी20s में भी वो चीज आपको फिर से दिखेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोकी फर्गुसन को छोड़ दें तो किसी भी बॉलर में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और कई लोग तो 2-3-4 मैचेस ही खेले हुए हैं उनके फास्ट बॉलर्स, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है उनके टीम में। लेकिन इस शोधी वापस आ चुके हैं इस टीम में, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है अगर न्यूजीलैंड की तरफ से देखे तो। और फिन एलन, इस बंदे को मार्टिन गप्टिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था न्यूजीलैंड की तरफ से। पहला मैच टी20 वर्ल्ड कप का उन्होंने काफी बढ़िया खेला था, 40 रन बनाए थे 16 या कितने गेंदों में, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल ही ठंडे पड़े हुए हैं और बिल्कुल भी रन नहीं आए हुए, बिल्कुल भी रन नहीं आए। ओडीआई में भी उनके बिल्कुल ही खराब फॉर्म, पहले ओवर में अपना विकेट दे रहे हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो या फिर सिराज हो, किसी से उनको कुछ मतलब नहीं, बस विकेट दे जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं टी20s में क्या वो परफॉर्म कर पाते कि नहीं। उनके साथ देवन कॉनवे ओपनिंग करने आएंगे, तो ये होगी उनकी ओपनिंग पेयर जो हमको दिखेगी इस टी20 सीरीज में। तो बेन लिस्टर न्यूजीलैंड के काफी अच्छे एक बॉलर है, वो भी शायद इस टी20 सीरीज में डेब्यू करे अपना। तो गाइस फाइनली बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की भी, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होनी चाहिए उनकी। तो फिन एलन के साथ डेवन कॉनवे ओपनिंग करने आएंगे। 3 नंबर पे केन विलियमसन तो है नहीं, तो मार्क चैपमैन एक बढ़िया बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, जो एंकरिंग रोल जैसा केन विलियमसन खेलते हैं वैसा वो खेल सकते हैं, और जरूरत पड़े तो छक्के चौके भी तेज गति से लगा सकते हैं वो। तो मार्क चैपमैन 3 नंबर के लिए। 4 नंबर पे आपको ग्लेन फिलिप्स खेलते हुए दिखेंगे। 5 नंबर पे डेरिल मिचेल। 6 और 7 पे उनके ऑलराउंडर्स आएंगे, जो कि है मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल भाई वो उनका अगर ओडीआई का भूत आ गया तो फिर आ जाते हैं इस शोडी। और फिर उनके 3 फास्ट बॉलर्स जो कि है लोकी फर्गुसन, ब्लेयर टिकनर और बेन लिस्टर। तो ये 3 आपको फास्ट बॉलर्स दिखेंगे।
तो ये होगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 जो पहले T20I मैच में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर पिच की बात करें तो रांची के इस पिच में जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग लेने की डिसाइड करेगा। यहाँ पर चेस करना इजी होता है कंपैरेटिवली, आपकी रन डिफेंड करो क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर रहता है इस मैदान में। तो जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही लेगा ऐसा मुझे लगता है। और इस सीरीज में मुझे ये भी लगता है कि दोनों ही कैप्टेंस अपने अपने टीम्स के हार्दिक पांड्या और मिचेल सेंटनर काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं इस सीरीज में, तीनों ही मैचेस में। तो देखते हैं कितना परफॉर्म कर पाते हैं वो टीम के लिए और किस तरह से जिता पाते हैं उनके अपने टीम्स को। तो कौन जीतेगा ये सीरीज पता नहीं, लेकिन ये बात तय है कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में और काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस भी हमको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो यही था दोस्तों पहले T20I मैच की प्रीव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डी क्रिकेट नॉलेज को। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में, इसका रिव्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।